ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं काम करता हूँ स्पॉट लाइट के फीचर्स को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हम लोग लाइट पे गए, यहाँ पे स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट क्लियर देखिए यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे स्पॉट लाइट क्या काम करता है यहाँ पे। ठीक है, लुक एंड फील हमें पता है, ठीक है, आर्नॉल नहीं माया यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे दिखे हैं। ठीक है, अभी इस इम्पैक्ट को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पे, कलर आपको पता है कलर कैसे चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया यहाँ पे। ओके, इंटेंसिटी आपको पता है, मैं यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं मैनेज करने वाला हूँ। ये पार्ट आ गया कोन एंगल, ये आपको बहुत ही हार्ड शार्प दिख रहा था, कोन एंगल और पैनोरमा एंगल एंड रॉक्स यहाँ पे इनके साथ आपको मैनेज करना है। कोन एंगल आपको ये एंगल चेंज करने वाला है, ठीक है, पैनोरमा एंगल आप यहाँ देखो इसको मैनेज करो तो आपको यहाँ पे कुछ देखेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखेगा, जो कॉर्नर पे जो हार्डनेस एजेस थे वो सॉफ्ट कर गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ड्रॉप ऑफ का इंपैक्ट होता है वो आपका सेंटर पे इंपैक्ट डालता है, कि सेंटर में आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो किस टाइप से काम करेगा आप यहाँ पे, तो बीच वाले पार्ट पे लाइट इंपैक्ट देखो यहाँ पे धीमी धीमे चीज दिखेंगे यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे क्या काम करना है, जस्ट मुझे एक टीवी स्क्रीन अगर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैंने काम किया यहाँ पे, मुझे टीवी स्क्रीन लेना है, मैंने सीन से पकड़ा यहाँ पे, ठीक है, टीवी स्क्रीन को मैंने पकड़ के यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैं इसको इसमें लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसमें जब इन चीज़ों को लेके आने वाला हूँ तो मैं चीज़ों को देखो, मेरे पास ये पार्ट है कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, माया में ला के मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये आपका आ गया, अभी पूरा नहीं आया क्या? ओके, पूरा नहीं आया, ठीक है, तो वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे गए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया दिस वन, ये पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, ऑल्ट एच कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी मेरे पास ये पूरी चीज यहाँ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कंट्रोल जी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, ये देखो मेरे कल का फ्रिज वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, कल मैंने फ्रिज कॉपी किया था वो आया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी करके देखता हूँ यहाँ पे, तो शायद अभी ये कहीं ना कहीं देखेगा, वो बहुत दूर पे देखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने इसको क्या कर देना, स्केल कर देना, छोटा करके लेके आना है, याद रखना छोटे बड़े में आपको यहाँ पे इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, गो टू टॉप व्यू, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट व्यू, साइज बड़ा छोटा होगा तो लाइट का इम्पैक्ट भी कम ज़्यादा होने वाला है, तो ये मेक श्योर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो पहले तो हम बेसिक समझ लें, बाद में इसका भी हम लोग काम करने वाला है क्या, तब मैं स्पॉट लाइट के साथ में देखूं और बाकी एयर लाइट के साथ में चीज़ों को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा और छोटा किया, सॉरी, ग्रुप करके यहाँ पे आप इसका प्राइवेट यहाँ पे डी एन वी एन बिटन ऑल सर्टन आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, देन आर फॉर स्केल आप ऐसे भी छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, पहले इसको पहले बेसिक पैरामीटर देख लें, समझ में आ जाए तो हम लोग फिर इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लाइट ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया, मैंने बिना डीके यूज़ किए काम कर दिया, आप लोग डीके यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बेसिक पैरामीटर पता है तो अभी हम लोग यहाँ पे लाइट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए यहाँ पे गए, यहाँ पे स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट में यहाँ पे लाइट इफेक्ट होता है, लाइट इफेक्ट में आपका फॉग का पार्ट भी होता है। ठीक है, फॉग हम लोग देख चुके हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक बार डोर्स होता है, इसे ऑन करते हैं। ठीक है, बार डोर्स, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अभी यहाँ से क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं रेंडर में आई पी आर करके ऑप्शन होता है जो मेरे पास थोड़ा सा हेल्प करने वाला होता है। ठीक है, मेक श्योर ये आई पी आर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और लाइक आई पी आर के साथ मैं अगर देखूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ मैनेज किया तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे काम कर रही कि नहीं कर रही है। राइट में गए हम लोग यहाँ पे, सबसे पहला पार्ट, वेट अ मिनट, मैंने रेंडर के यहाँ पे ऐसा कुछ देख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट और राइट यहाँ पे मैंने कर दिया 0, यहाँ कुछ कटा नजर आ रहा है कि यहाँ पे, यहाँ पे कर दिया 0। ठीक है, कुछ इम्पैक्ट दिखा गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या 0 0 मैंने कर दिया यहाँ पे 10 10 10 10। अभी आपका एरिया लाइट कैसा हो गया यहाँ पे, अभी लाइटिंग आर्टिस्ट को यहाँ पे अगर कभी ऐसा सीन दिखाना पड़ता है कि उसे एक दरवाजा का इम्पैक्ट दिखाना है कि दरवाजा खुला था, लाइटिंग आर्टिस्ट ना सिर्फ लाइट के थ्रू भी दरवाजा दिखा सकता है कि एक बॉक्स को मैनेज किया और लाइट का इम्पैक्ट कैसा आ गया, कहीं से राउंड तो नहीं दिख रहा आपके यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी हम लोग ये देख लिया, ये आपका बारडोन से आपके यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें, इज इट पॉसिबल, मेरे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइट फॉग काम करता है क्या, काम कर रहा है, डेंसिटी मैंने 1 कर दिया, काम कर रहा है, लगा इसमें से निकल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज करूँ, मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, किस टाइप से पार्ट मुझे मैनेज करना है, कस्टमाइज और चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, तो मैं आपको इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ कि मुझे अभी फॉग के साथ देखा, मैं फॉग यहाँ से दिख रहा है,
अभी मुझे यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट दिखाना है, ठीक है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फॉग लिया, ठीक है, वॉल्यूम फॉग मेरे पास यहाँ पे है, किया मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन, रेंडर किया मैंने यहाँ पे, रेंडर करने पे मुझे पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। कई बार अगर आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर डिलीट नहीं होता, यहाँ पे भी ऐसा था कि भाई ये फॉग आपका डिलीट नहीं होता, इम्पैक्ट आता है, ठीक है, तब हाई प्रेशर में जाके आपको यहाँ से जो आपने फॉग लिया है ना, यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी आपको यहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ आपके यहाँ पे आ गई तो आप यहाँ पर चीज़ों को देखोगे और रिमूव करोगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर देखना है, यहाँ पे मैंने काम किया, अभी मैं इज इट पॉसिबल, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मैंने यहाँ गया टॉप पे गए, ठीक है, फाइव एन सिक्स एन सेवन, सेवन पता है ना, सेवन फॉर लाइटिंग। अभी मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, अभी आपके आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज और बैलेंस कैसे कर सकते हो आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे मेरा लाइट इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है पहला, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर वैसे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्लो दे रखा है, आप ग्लो का इफेक्ट देना चाहते हो आपके मटेरियल में भी आपका काम करता है। अभी यहाँ पर मुझे क्या देना है, सबसे पहला पार्ट की ये चीज़ मुझे अगर यहाँ से मैनेज करना है तो मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास ये दूर तक में, ठीक है, यहाँ तक में, जबकि इसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ लेके आना है, तभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, या तो मैं इसको इधर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, ठीक है, करके देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे मैनेज किया तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं बैलेंस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मेरे एक अगर मैं इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे मैंने सेट किया, सपोज मेरे पास ये पार्ट है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट यू वॉन्ट, कौन एंगल को मैं छोटा बड़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँ, मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है, मुझे यहाँ पे अभी कितने डिस्टेंस पे गया वो भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये इतने डिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस को कैसे मैनेज करें वो भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ओके, एक दो चीज़ और भी इसके अंदर है। ओके, यहाँ पर मैंने देखा, अभी मैंने यहाँ पे क्या एक एरिया लाइट भी लिया, एरिया लाइट के साथ हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना, ग्लो के साथ यहाँ पे क्या काम करने वाला है, यहाँ पे ये भी आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करते हो तो आपको इस चीज़ें भी दिखने वाली है। आपको चीज़ों को ना लाइक यूज़ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, जैसे देखो मैंने अभी मेरे पास स्पॉट लाइट है, ठीक है, स्पॉट लाइट फॉर अ टाइमिंग मैं भी डिलीट करता हूँ, मैं इससे भी काम करूँगा और इससे भी काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोनों में एक बार काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा विजुअल है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी कुछ पार्ट है, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं दिखाना स्टार्ट करूँ। इंटेंसिटी मैंने कर दिया 5 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, आपको ऐसा भी कुछ पार्ट, लेकिन ये किस टाइप से काम करेगा, ये एक स्क्रीन के लिए काम नहीं करेगा आपके यहाँ पे। ये जैसे वैसे कुछ लाइट होती है ना, जैसे रूफ पे जो लाइट होती है, आप कभी फोटो क्लिक करोगे तो उसमें ऐसा इंपैक्ट आता है क्या, ठीक है, ये आपके लिए टीवी स्क्रीन के अंदर कभी नहीं, या कभी ऐसा होगी आपको इसके अंदर दिखाना है जैसे कुछ अंदर से कुछ निकल रहा है, ग्लो ज़्यादा कुछ ऐसे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इससे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रेक कनेक्शन करने के बाद ये क्या इंपैक्ट देने वाला, ये ऐसा कुछ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके काम करते हैं। टॉप पे गए, मैंने 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, टीवी स्क्रीन आपका यहाँ पे। पहला काम तो हमें यही काम करना होता है कि आपको जब भी टीवी स्क्रीन हो तो टीवी स्क्रीन पे आपको यही लाइट आपको यूज़ करना होता है, पहला काम, ठीक है। आप शेप इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आल्फा स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच, टॉप पे गए, अभी आपको थोड़ा सा ये अलाइन या ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। यहाँ पे लाइट को चिपकाना नहीं, चिपकाओगे तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, अरेंज करो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी आपको लेफ्ट से भी जाके काम करना है, फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन दो आप यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करो आप यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। आप ऐसे करके थोड़ा मैनेज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा एंगल आप मैनेज करोगे तो आप थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या आपके यहाँ पे। एक आपके पास अलाइन भी होता है, आप अलाइन करना चाहो अलाइन भी करके आप मैनेज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट क्या होता है, किस लिए होता है, ये बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे जो भी कोई काम किया, कंट्रोल शिफ्ट ने चाहिए, मेरे पास नॉर्मल इम्पैक्ट जो देगा वो ये देने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है,
यहाँ देखो इसके पास इम्पैक्ट देगा, तो इसके साथ में अगर देखोगे तो आपको टीवी के जो भी पार्ट होगा उसके आसपास का इम्पैक्ट स्टेप से आने वाला, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, इसका इम्पैक्ट स्टेप से आना चाहिए। पहला तो मेरे पास यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे मैं कुछ भी लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ भी इमेज यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इस इमेज लगाने के पीछे मेरे पास रीजन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज लगा दी मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल द पार्ट इमेज, इमेज के अंदर भी मुझे काम करना आना चाहिए क्या, तो राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। ये आपको देखोगे यहाँ पे सरफेस एट है, यहाँ पे जब भी स्क्रीन पे आप देखोगे स्क्रीन पे साइनिंग होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पहला काम क्या करने वाले हो, फाइल पे गए, आपने कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने किया, ठीक है, ये मैंने यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आप अनरैपिंग तो यूज़ कर लेना, यूवी में गए, प्लानर आप सेट कर सकते हो आप यहाँ पे, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके, कैमरा एंगल का भी ऑप्शन होता है क्या, यहाँ पे कैमरे में गए, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, देखते हैं यहाँ पे जो एंगल दोगे उसके अकॉर्डिंग भी आपका काम हो जाता, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने को मिलेगा। चलो यहाँ पे काम कर दिया हमने यहाँ पे, अभी ये जो मैंने कलर और ये पूरा पार्ट मैंने जो दिया वो मेरे पास स्टेप से काम आने वाला है यहाँ पे। अभी इसके साथ भी आपको डील करना पड़ता है क्या, जैसे ये आपने काम किया, इसके साथ आपको क्या काम करना है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे ग्लो आपको सिंपल सा पार्ट क्या है कि यहाँ पे आउटर ग्लो दे रखा है, यहाँ पे इसे नील कर दोगे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप पहले जो भी काम करो तो आपको हर एक कनेक्टिविटी के साथ देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे मुझे क्या थोड़ा सा आउटर ग्लो देना चाहिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा आउटर ग्लो में आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखने वाला है आपके यहाँ पे, हल्का सा ग्लो इम्पैक्ट, हल्का मतलब हल्के होगी, ठीक है। और मैट ओपेसिटी हल्का सा थोड़ा सा प्ले करो तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ग्लो का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है उसको और थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप यहाँ पे, लिटिल बिट हो, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हो। अभी इसके बाद आपको चाहिए कि भाई मेरे पास ऐसा ही इम्पैक्ट यहाँ से शैडो भी चाहिए मुझे यहाँ पे, अब आपको फॉग टाइप से इम्पैक्ट चाहिए, ठीक है। अभी फॉग टाइप के लिए आपका सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट आपका स्पॉटलाइट के सिवा और कोई लाइट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पॉटलाइट जैसा लाइट कोई नहीं है क्या, आपका कोई भी अगर काम नहीं करता तो स्पॉटलाइट आपका हर तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सो बार डाउन जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट 10, 10, 10 एंड 10 ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्या कह मेरा स्पॉटलाइट, ये स्पॉटलाइट है, इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रखा है, मैंने कर दिया 4 के आसपास कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये मेरे को ये दिख नहीं रहा, क्या करूँगा मैं यहाँ पे फॉर टाइमिंग, मैं इस लाइट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इससे मैंने कर दिया ऑफ। अभी दिख रहा नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा समझो, से राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंगल वाइज। अभी इसके एंगल के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैनेज करने वाला हूँ, क्या अगर मैं चीज़ों को मैं अगर मैनेज करूँ बस एंगल में कैसे जाने वाला है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया इसको, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे टॉप पे गए, ठीक है। आपको प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा मैनेज करके देना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक आप यहाँ पे 2-3 चीज़ को यूज़ नहीं करने वाला तब तक आपका इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है, अभी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया सॉफ्टनेस, टीएमएस पार्ट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आने वाली, अभी को मैं अगर इसका कोन एंगल मैं बड़ा करता हूँ, ये छोटा करता हूँ, पहले मैं बड़ा किया, बड़ा करने पर क्या इम्पैक्ट आता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो फर्स्ट चेक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने इतना कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो मेरा स्कोन एंगल बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। इज इट पॉसिबल अगर मैं इसको ऐसे स्केल करूँ, ध्यान रख के कर स्केल करना क्या, ठीक है, यह ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेनमेंगल मैंने दे रखा है यहाँ पे, ड्रॉप ऑफ यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आएंगी, इसके साथ मुझे दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कलर, ठीक है, मैच कर रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कलर, फिर इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोन एंगल एंड लाइट फॉग, यहाँ पे आपको कोन एंगल काम करने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कोन एंगल को पकड़ा आपने यहाँ पे, मैंने कहा ओके चलो कोन एंगल मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, यहीं तक ही फॉग आ रहा है देखना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्केल करना है, स्केल आपने कर दिया यहाँ पे 7 प्लस करो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपने यह मैनेज किया, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कितना पार्ट आपको देना है, ठीक है। मैं अभी इसकी पावर तो उसे मैं मैनेज करता हूँ, मैंने इतना सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉग में गए, यहाँ पे मैंने अमाउंट कर दिया 0.2,
देख रहे हैं आप अभी कितना अमाउंट देना है मुझे इसके साथ, ये चीज़ मैच करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे इसके एंगल के साथ भी डील करना पड़ेगा, अभी एंगल मुझे कैसे देने वाला है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या मैंने वन कर रखा, ठीक है। ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने मैच किया, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, मुझे अभी यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। मेरे पास अगर मैंने लाइट फॉग किया यहाँ पे, लाइट फॉग करने का मेरे पास इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक करें यहाँ पे, मेरे पास फॉग स्प्रेड है यहाँ पे, ठीक है। तो और मैं बढ़ा रहा हूँ इंटेंसिटी में बस है यहाँ पे, इंक्रीज करके देखें यहाँ पे बार डोन्स के साथ ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो आप यहाँ पे। ओके, ब्रेक कनेक्शन किया मैंने यहाँ पे, तो ये तो मेरे पास यहाँ पे बार डोन्स देखो, अभी यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा ना, मैंने यहाँ पे ब्रेक कनेक्शन किया नहीं जा रहा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जैसे लाइट फॉग है यहाँ पे पकड़ के डिलीट करते हैं आप यहाँ पे, मेक श्योर ऐसी चीज़ें आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे जब सिंक के साथ काम करने वाले हो तो, ठीक है। ये भी मेरे पास अभी काम करनी है तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे पास वॉन्टेड है क्या अनवॉन्टेड है, ताकि मैं पे काम कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। रेंडर किया मैंने यहाँ पे, अभी देखो आपका बार डोन्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। बार डोन्स है मेरे पास यहाँ पे, कुछ तो कम हुआ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 20, टैप 20, 10, टैप 10, देखो अभी यहाँ पे कुछ अपडेटेड नहीं है, तो मुझे फिर से एक बार इसे हटा के मैनेज करके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे चिप्स एंड ट्रिक्स दिखाया, मेरे पास ऐसे कुछ एक पार्ट आया, ठीक है। मैंने लाइट लिया, वही बार डोन आपका यहाँ पे किया, ठीक है। लाइट फॉग पे हम लोग काम कर रहे हैं, लाइट फॉग पे काम करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ एक इम्पैक्ट आया, अभी देखो मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, अभी देखो रेक्टेंगुलर भी आ गया और बाकी चीज़ भी मेरे पास यहाँ पे आ रही है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि ये जो शेप मेरे पास इसके अंदर से आ रहा है वो मुझे इसके अंदर से दिखे, ठीक है, या मेरे पास ये जो इतना पार्ट है मुझे कट दिखे। अभी कट कैसे कर सकते हैं ये सोचना आप, ठीक है। कट करने के लिए अगर आप थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ प्ले करें तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको बताता हूँ। और देखो यहाँ पर हमने किया ये पार्ट में बस यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं अगर आपको बताया पे हमने एक शैडो यूज़ किया था यहाँ पे, यूज डेप मैप शैडो यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि यहाँ पे लाइट के अंदर कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी कर्व भी है और कलर कर्व भी है, ठीक है। यहाँ पे एक और देखें यहाँ पे डी के रीजन भी है, डी के भी आप थोड़ा सा यूज़ करके, डी के यूज़ किया आपने, डी के रीजन। अब ये कुछ कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे काम करने वाला है, डी के रीजन का मतलब क्या, थोड़ा सा बेसिक्स दिख रहा है। डिकेरेशन ऑन किया, डिकेरेशन ऑन करते मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मुझे कहाँ से क्या काम करना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 0 टैप 0, हुआ क्या। अभी यहाँ पे कितने 3 से है ना, मैंने कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने कर दिया 1 कर दिया यहाँ पे। देखो ये मैं उस पार्ट कैसे जा रहा है, ये मैं उस यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ पे प्लीज एनफ इट पॉसिबल, अगर मैं यहाँ पे 3 पे काम करता हूँ, फिर मैंने इसको अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चीज़ को मैं अगर बैलेंस कर दूँ यहाँ पे यूज डी के रीजन, मैंने कहा ओके मैं तो उसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इज इट पॉसिबल। अब मैं इसको ऐसे निकाल के पास से काम कर लूँ तो मेरा काम हो नहीं जाएगा, अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करके, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज़ों के साथ मैंने थोड़ा सा प्ले किया, कौन एंगल भी है, पेनम्ब्रा एंगल भी है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट करना था मेरे यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट, ठीक है। अभी मैंने इसको सेट करके अगर मैं इसको अलग पास से निकाल लूँ मेरा काम नहीं हो जाएगा, देखो यहाँ से कट नजर आ रहा है मुझे, बाकी के नीचे कट नहीं देने, बाकी नीचे कट का आइडिया मिला आपको यहाँ पे। यहाँ से मुझे क्या कर देना है यहाँ पे, देखो 3 एंड 6, या तो मैं 8 कर दूँ यहाँ पे, नहीं आ जाएगा, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ कंपोजिटिंग के साथ मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ, एक मेरे पास ऑप्शन ये भी आने वाला है अगर मैं इस वीडियो को मैं मैनेज करूँ तो, ठीक है। कहाँ गया ये पार्ट, मैंने यहाँ पे कर दिया फॉग इंटेंसिटी को मैंने 0.5 कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं एक एंगल वाइज में चीज़ों को डील करता हूँ तो यहाँ पर चीज़ों कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको रोटेट करके एडजस्ट करके काम करना है। कलर आप वही देने वाले जो आपको वहाँ पर कलर है, ठीक है। आप यहाँ से भी दे सकते हो, आप यहाँ पे इधर भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक तो पार्ट आपका ये आने वाला है, इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो आपका यहाँ फॉग इंटेंसिटी आपका बढ़ जाएगा आपके यहाँ पे। और इसके सिवा भी आपके पास ऑप्शंस मिलता है, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है। आप अगर इसमें देखो फॉग इंटेंसिटी यहाँ पे, फॉग इंटेंसिटी को आप यहाँ पे अपने सपोज
टू थ्री फोर आप ऐसे मैनेज करने वाला, तो ये भी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। आप किस टाइप से आप काम करने वाला, एंगल, बाकी चीज़ें किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, वो पार्ट भी आपको देखेगा यहाँ पे। इसके साथ एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये मैंने काम किया, चलिए मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, मुझे इस टाइप से काम करना है। अभी देखो इसका एंगल ऊपर की तरफ है, ये ना इसका एंगल ऊपर की तरफ, तो मेरे पास जाने वाला कहाँ पे है, इसके एंगल को फॉलो करना पड़ेगा ना मुझे। अगर ये एंगल ऊपर की तरफ है तो मुझे ऊपर की तरफ देना पड़ेगा ना यहाँ पे, ऐसा करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँ यहाँ पे, मैं बस कितने दूर तक जाने वाला है आल्फा स्केल, तो मुझे ये अगर मैंने फॉग यूज़ किया है तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉग यूज़ नहीं किया तो काम नहीं होगा यहाँ पे। जितने एंगल में आप यहाँ पे काम कर दो, यहाँ पे देखना यहाँ पे, ये आपका पार्ट आ गया, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ठीक है। तो फॉग के साथ भी आपको डील करना पड़ेगा, मेरे पास फॉग वाला पार्ट है, फॉग के साथ मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करूँगा यहाँ पे। अभी देखो इसमें आपने क्या क्या चीज़ आपने देखा यहाँ पे, आपको क्या क्या चीज़ पता, यूज़ डीके आपको पता चला, डीके में आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले आपका साइड यहीं तक ही फॉग यहीं तक ही था, अभी यहाँ पे कैसा हो गया, इस टाइप से जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर बढ़ा दिया। अगर मैंने यहाँ पे 10 कर दिया तो 10 तक ही रहने वाला है, समझ आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 50, जितना मेरे पास वही काम हो जाए। अभी यहाँ से तो मैंने इम्पैक्ट दिया, मेरे पास एक फील्ड लाइट चाहिए, क्रिएट पे गया मैंने यहाँ पे, लाइट पे गया मैंने, एक पॉइंट लाइट लिया, पॉइंट लाइट लिया। फील्ड लाइट का मतलब क्या, आपको एक हल्का सा इम्पैक्ट देने वाला है, सब पे नहीं देना तो ऐसे ही मुझे इम्पैक्ट चाहिए दुकान पे, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटेंसिटी मैंने कर दिया 0.5, शैडो है यूज दैट मैप शैडो, ठीक है। यहाँ पे मैं 256 कर देता हूँ, कम करना पड़े कम भी कर सकते हो, ज़्यादा करना पड़े ज़्यादा भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ कैसे दिखने वाली आप, लाइट का इम्पैक्ट कैसे जाने वाला है। अभी यहाँ पे अगर मैंने इसका डीके ऑन कर दिया तो यहाँ पे मैंने देखो क्वाड्रिक पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 10, अरे सॉफ्टनेस आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने चीज़ को दिखाया, यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक लाइट का कलर मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया 20, दिखा सकते हैं लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं उस पार्ट किया कि मैंने एक सॉफ्ट लाइट यहाँ पे दिया था कि मुझे एक आइडिया मिल जाए, मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों कैसे दिखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है सॉफ्टनेस, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी आपका एक इम्पैक्ट चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे लाइट का यहाँ पे स्पैकुलर बन रहा है यहाँ पे। अगर आपको मटेरियल सही नहीं है तो आप यहाँ पे बाकी कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट देखो यहाँ पे, आप इन बाई डिफॉल्ट मटेरियल्स को भी देखो ना, बहुत चीज़ मिलेगी क्या आपको इसमें, आप इसमें लाइक कोजिन पावर कितना है, किस टाइप से आप मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, देखें ये पार्ट किस टाइप से आपका मैनेज हो रहा है। लाइट का एंगल कैसा है, लाइट जो मैंने लगाया यहाँ पे, देखो लाइट का है पॉइंट लाइट यहाँ पे ना, इसको मैंने ये एंगल दिया यहाँ पे, सिर्फ एंगल से देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या, देखें यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे अगर किसी भी पार्ट के लिए मुझे अगर मैनेज करना पड़े तो मैं बस यहाँ पे क्या क्या मैंने पॉइंट लाइट दिया और मैंने इसको थोड़ा सा और मैनेज कर दिया यहाँ पे, हाई स्पेक्लर, तो लाइट के डायरेक्शन से पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ काम किया, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। अभी मैंने इसको लाइट को मैंने पकड़ के मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे मैंने दिखाया, अभी यहाँ पे दिखाना था यहाँ पे शैडो बना है यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा सा सिनेमेटिक समझना पड़ेगा कि यार उसका लुक एंड फील मैं कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी जैसे मैंने एक एरिया लाइट ले रखा था, एरिया लाइट यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं किसी चीज़ को मैं फोकस करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं फोकस करके क्या दिखाने वाला हूँ, जैसे देखो यहाँ पे क्रिएट पे गया, लाइट पे गया, लाइट के साथ मैं एक वॉल्यूम लाइट भी होता है, वॉल्यूम लाइट को भी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम लाइट को पकड़ा यहाँ पे, वॉल्यूम लाइट को यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही अच्छी लाइट है क्या, जब तक आप इसको स्टडी नहीं करोगे तब तक आइडिया नहीं मिलेगा ये वॉल्यूम लाइट का मतलब क्या, समझो जितना बड़ा वॉल्यूम उतने ही तक आपका लाइट का इम्पैक्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बस वॉल्यूम लाइट है, वॉल्यूम लाइट में सेलेक्ट कर दिया, आर फॉर स्केल, आप इसे स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इतने बड़े सर्कल में दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर दिखाओगे तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो, बस वॉल्यूम लाइट यहाँ पे, यहाँ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा, दूसरा पार्ट आपने यहाँ पे मैनेज किया कि मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, तो मैं ऐसे करके कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को, मैंने थोड़ा सा इधर मैंने मैनेज किया तो वैसे यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा यहाँ, किधर दिखा सकता हूँ इधर। अभी आपको वॉल्यूम लाइट कब चाहो तो वॉल्यूम लाइट को आपको क्या कर सकते हो, लाइक व्हाट यू वांट, यहाँ पे मेरे शेप्स हैं, सिलेंड्रिकल शेप चाहिए। अभी आपने क्या क्या आपका कभी ट्यूबलाइट जैसा कोई शेप दिखाना है, ऊपर जैसा कोई सर्कुलर टेप दिखाना है,
कोई कोई भी आप शेप ऐसा दिखाना चाहते हो, जैसे कॉनिकल शेप है तो कॉनिकल शेप आप दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जैसे स्पॉटलाइट का ना होता है कॉनिकल शेप, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ शेप दिखाना है जहाँ पर मुझे मैनेज करना, तो मैं ऐसा कुछ मैनेज कर सकता हूँ। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, जब तक आप इसको लाइक स्टडी नहीं करोगे आइडिया नहीं मिलेगा। यहाँ पे लाइट को समझो, लाइट के पैरामीटर्स को समझो यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे चीज़ को दिखाया है, यहाँ पे मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स के साथ डील करें यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया। इस लाइट को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट काम ये भी कि आपको पोजिशन को समझना पड़ेगा, पोजिशन किस टाइप से आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, अभी यहाँ पे चीज विजुअल है, बीच में कैसा बिल्कुल पॉइंट जैसा इंपैक्ट दे रहा है यहाँ पे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, ज्योमेट्री को मैंने कर दिया ऑफ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर भी आप पैरामीटर्स देखो तो पैरामीटर से बहुत कुछ मिलने वाला है आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो चीज़ें बहुत सी हैं, आप जब देखो ना लाइट इफेक्ट्स है। इसके अंदर भी फॉग है क्या, ऐसा फॉग ट्राई किया आप लोगों ने? यहाँ पे जब ट्राई करो तो कैसा देखे यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है कि इतने वॉल्यूम के अंदर फॉग, मुझे किसी चीज़ लिमिटेड जगह पे इतने फॉग दिखाना है तो मैं उसको भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, इतने जगह पे मेरा फॉग दिख रहा है यहाँ पे। आप इसको भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर आपको मैनेज करना आता है तो, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे चीज़ कैसे देखे यहाँ पे, जहाँ अलग फॉग यहाँ पे हमने दूसरा इसमें अलग दिया यहाँ पे। तो जस्ट प्ले करोगे तो आइडिया मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत है काम करने के लिए, ठीक है। आप इसका जब तक आप प्ले नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला कि आप कैसे क्या काम कर सकते हो। ब्रेक कनेक्शन कर दो आप यहाँ पे, बाकी चीज़ें आपका सर से कुछ मैनेज करना, मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कि आपको लाइक लुक एंड फील क्या देना है, किस टाइप से मैनेज करने वाले हो और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पे देना है, जैसे लाइट लिंकिंग में बड़ी दिक्कत आती है आप लोगों को, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ मैं एक बार थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। पे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पॉटलाइट लिया, स्पॉटलाइट क्या है मेरे पास यहाँ पे, टी प्रेस कर दिया मैंने पास, यहाँ पे टारगेट ही आ रहा है। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे यहाँ से मैंने इसको मैंने मैनेज किया। आप एंगल भी देखो मैं किस टाइप से डील कर रहा हूँ यहाँ पे, जो चीज़ आप लोग डील नहीं करते मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर लाइट सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे लाइट दिख रहा है पैनल में, यहाँ पे मुझे पर्सपेक्टिव भी दिख रहा है, लुक तो सेलेक्टेड देखिएगा। लाइट ये लाइट का एंगल मैंने दिया, मैं बस कैसा एंगल चाहिए यहाँ पे, देखो लाइट का एंगल दिया मैंने, लाइट का एंगल यहाँ पे दिया। अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे इस पर इम्पैक्ट चाहिए, मुझे ज़मीन पर इम्पैक्ट नहीं चाहिए। बात समझना है क्या मैंने क्या बोला है, मैंने आपको क्या बताया कि मुझे जो यहाँ पे जो इम्पैक्ट चाहिए वो किस पे चाहिए, स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट का इम्पैक्ट मुझे जो देना है किस पे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस पे। तो मैंने एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे W, अभी मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट पे देना है, ठीक है। ज्योमेट्री मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दिस वन 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 यहाँ पे जो भी मुझे कुछ पार्ट देना है यहाँ पे, ठीक है। या तो आप इसे सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे ग्रुप में, ठीक है, और देन यूनिवर्स लाइट है यहाँ पे, तो एक इसको पहले इसको आपने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, रेंडरिंग में गए और लाइट में आ गया लाइट लिंकिंग, मेक लाइट लिंक के ध्यान देना क्या। इसमें एक दो ऑप्शन और भी हैं जो आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, जैसे लास्ट क्लास में जिसने डिस्कस किया था, मेरे को मुझे कैसे पता चले अगर कोई मेरे नीचे की तरफ इंपैक्ट तो नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं स्पॉट लाइट का जो यूज़ कर रहा हूँ ये जितना काम कर सकता है उतना आपका AI आपका आर्नोल वाला लाइट उतना बढ़िया काम नहीं करेगा, यहाँ पर लिंकिंग में आप चीज़ों को मैनेज करते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने सेट किया, ठीक है, लुक थ्रू सेलेक्टेड पे किया आपने यहाँ पे, यहाँ पर आप चीज़ों कैसे भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो अभी आपका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही आने वाला है। मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे भाई ऐसा कुछ पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी पार्ट भी लिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे यहाँ पे पता चले कि मैं जैसे मैंने बता तो दिया कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मुझे एक पार्ट ऐसा चाहिए कि मुझे यहाँ पे पता चला कि मैं यहाँ पे कौन से उसमें देखना चाहता हूँ कि लाइक मेरे पास कौन सा लाइट यहाँ पे कनेक्टेड है। मैंने लाइट लिंकिंग आपको बता रखा है यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप जाकर सेलेक्ट करके देखो, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट लाइट, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट बाय लाइट, यहाँ पे क्लिक किया तो बता देगा इस वाले लाइट से ये एलिमेंट है। अभी सपोज मुझे लाइट से पता किया तो मुझे पता चला, सेलेक्ट में गए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे करो सेलेक्ट लाइट एलिमेंट बाय ऑब्जेक्ट, तो इसने बताया कि ये ऑब्जेक्ट पे लाइटिंग किस किस लाइट का लाइट पड़ रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि ठीक है मैं यहाँ पे काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा लाइट इससे कनेक्टेड है, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्या समझ में आ रहा है। तो आपको ये ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान देना है कि आप किससे, जैसे लिंकिंग पे काम करना है तो आप लाइट लिंकिंग पे आपने देखा तो यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे ऐसा दिखाना है कि मेरे पास यहाँ पे जैसे देखा आपके पास यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे मैंने रेंडर किया, रेंडर करने के बाद मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है 7000 दिख रहा है ना, पकड़ लिया मैंने, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट फेसिस कर लिया आप यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट ग्लो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्कैटर्स कॉपी किया यहाँ पे कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ पे जाओ इनकैंडेंसेंस करके ऑप्शन, यहाँ पे फाइल पे गए यहाँ पे, और देन यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, देन एंटर कर दिया यहाँ पे, लास्ट रेंडर सेव करके देख लो आप यहाँ पे, देन अभी वाला रेंडर क्रॉस चेक करो यहाँ पे कुछ चेंजेस है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्लो करता है हल्का दिखेगा, ठीक है ना। जब भी आपको कुछ ऐसा पार्ट हो तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद भी आपका ऑप्शन मिलता है, आप यहीं पे ख़त्म नहीं होता कि यहाँ पे मैं मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे भी जाओगे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस होते हैं क्या, आप इनमें देखोगे ना यहाँ पे चीज़ों को आपने मैनेज किया, फेसेस राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट देखें यहाँ पे, यहाँ पे चीज़ों को जब बढ़ाते हो तो आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे चीज़ें में बस ऐसे कि देखो यहाँ पे ग्लो देखो बहुत बढ़िया सा इम्पैक्ट देखेंगे यहाँ स्टार्ट हो जाए यहाँ पे। इसके बाद भी हम चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें मैं देखूँ यहाँ पे कि मैं स्पेशल इफेक्ट है क्या यहाँ पे, ठीक है, ग्लो इंटेंसिटी से काम करता है क्या यहाँ पे, ऐसे करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर देखिएगा तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, मैं इसमें किया गया, मैंने कोई लाइट नहीं लगाई, मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा पार्ट मिल गया, ये मिला कहाँ मुझे मटेरियल के अंदर। आप इसको भी लाइक राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट पे जाओगे तो ये ऑप्शन भी आपके यहाँ पर मिलेगा, कितना करना है किस टाइप से काम करना है आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, अरे आप चीज़ों कैसे भी मैनेज करोगे ये भी अच्छा देखिएगा। थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ाने पर थोड़ा सा अच्छा ही देख रहा था, मैंने क्या किया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। अभी जब तक आप बेस को स्टडी नहीं करोगे, सिंपल सी चीज़ें, आप अगर लाइटिंग करो, लाइटिंग में आप काम करो, आपका बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स करने के लिए आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी फिर से आपको गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा सा बेसिक चीज़ को स्टडी करो। कुछ नहीं मिलता, F1 प्रेस करो, F1 प्रेस करके लाइटिंग पढ़ना स्टार्ट करो यहाँ पे, लाइटिंग बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बेसिक्स तो पता चले। बेसिक्स के साथ आपको यहाँ पे जो है, मैं आपको ये PDF जो आपको मैं बताता हूँ, इस PDF के अंदर भी पढ़ोगे काफ़ी फीचर्स मिलेंगे क्या आपको। सिंपल लाइट में जाओगे ना, आपको लाइट के सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट चीज़ आपको दिखाएगा यहाँ पे, सारे सब कुछ जो टोटली डिपेंड है वो सब कुछ इसी में है, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलता है टाइप्स ऑफ लाइट है, तो सारे लाइट में क्या क्या फीचर्स हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करोगे किस टाइप से काम करना है। ये आप वो लाइक नॉर्मल टेक्निक में समझा कि मैंने लैंप ऑन किया तो एक लाइट लगाऊं तो लैंप जैसा इंपैक्ट आ जाएगा, वो नहीं आएगा। आपको उसको बेसिक्स को समझना पड़ेगा, इंपैक्ट आउटपुट कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइट लगाना पड़ेगा। मेरे रूम में अगर बंद है विंडो, अगर नहीं है सब जगह से विंडो बंद है, मेरे पास रूम में लाइटिंग करनी है तो मुझे सिंपल पहले फुल लाइट को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फेक लाइट दिखाना पड़ेगा। फेक लाइट मतलब क्या कि मेरे पास कहीं ना कहीं लाइट सोर्स आएगा, अगर मैं लाइट सोर्स नहीं दिखाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर इंपैक्ट नहीं आने वाला क्या। लाइट सोर्स लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं क्या, ठीक है। अगर मैं चीज़ों को यहाँ पे समझूंगा तो मेरे पास यहाँ पे, जब तक मैं रेफरेंस को मैं अगर मैं नहीं समझता तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें नहीं आने वाली, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने चीज़ों को बैलेंस करके समझ जैसे है दुकान पर। अभी ये यहाँ पर दिखाया तो क्या दिखाया है कि ऐसा लगा कि बाहर कहीं विंडो से लाइट आ रही है, लेकिन विंडो दिखा क्या नहीं, लाइट दिखा गया कुछ ऐसा हमें नहीं दिखा, हमें सिर्फ इस इमेज में बता दे कि ऐसा लग रहा है कि बाहर से लाइट का इम्पैक्ट आया, दैट इज कॉल्ड फेक लाइट। आप यहाँ पे आप विंडो बनाओ मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं, आप लाइट लगाओ, लाइट के अंदर आप इमेज डाल दो, आपको सिंपल इम्पैक्ट आ जाएगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले को वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो एक लाइटिंग आर्टिस्ट का काम है क्या, एक सिंपल सा पार्ट है। अगर आप लाइटिंग आर्टिस्ट बन रहे हो तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। मैं अगर किसी चीज़ को मैं अगर दिखा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये भी इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है, लेकिन जब साइड वर्क चीज़ें दिखती है तो और बेटर दिखता है किस टाइप से आप रिजेंबल करते हो, किस टाइप से आप आउटपुट देते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये मेरे पास अभी इसके अंदर लाइट का सोर्स कुछ नहीं, तो मैं लाइट का सोर्स पहले ढूंढ लूंगा मेरे पास है क्या, रूम है, घर है, ठीक है, या क्या है, ठीक है, शैडोज किस टाइप से हैं, ये देखो यहाँ पे। अभी इस रूम में से अगर सोचो मैंने सनलाइट मैंने ऑफ कर दिया तो रूम में लिट नहीं होगा, होगा ना वो। अगर मैंने सन अगर मैंने ऑफ, सन का मैंने इंटेंसिटी ज़्यादा कर रखी है, बाकी आप सारे वॉल पे एक एक लाइट लगाओ आएगा, ठीक है। आपने बेसिक रूम को लिट कर दिया, हर वॉल पे एक एक लाइट लगा दिया, काम कर दो, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को सीलिंग लाइट दिखा दो, सीलिंग लाइट का फोकस दिखा दो। रूम को लिट करने के बाद आप सीलिंग लाइट लगा दो, सीलिंग लाइट पर स्पॉटलाइट लगा दिखा दो, वहाँ पे मेजर साइड उसका दिखाओगे। जब तक आपके माइंड में ये नहीं आने वाला कि मैं अपने रूम में, मेरे रूम में अगर
रोशनी आ रही है, लाइट आ रहा है, तो कहाँ से आ रही है? आपको ये समझना पड़ेगा, पहले आपके माइंड में ये आना पड़ेगा, मेरा रूम अगर बंद है, ठीक है, रूम बंद है तो लाइट आ कहाँ से रही है? विंडो नहीं है मेरे रूम में, ठीक है, लाइट ऊपर मेरे सीलिंग लाइट है, ठीक है, अगर घर में रखेंगे तो बल्ब लगाएंगे, ट्यूबलाइट लगाएंगे, सीलिंग लाइट लगाएंगे। ऑप्शन और कोई है? मेजर ऑप्शन ये है जो कॉमन ऑप्शन होता है, जो हम लोग समझ सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करो। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको देखो दुनिया में 36 टाइप की लाइटिंग है क्या? लेकिन आप वो आप सोचोगे ना हर टाइप की लाइटिंग मैं करके जाऊँगा तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स वही है, ठीक है, जब तक आप उसको सोचने पर मजबूर नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप यहाँ पे डिटेलिंग में जाओगे तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि आप कितना, जब आपको रेंडर टाइम बढ़ता है, रेंडर टाइम लगता है, तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि देखो हम लोग 256 करते क्यों, इसके पीछे भी एक रीज़न है, मेमोरी कितना यूज़ करता है। आप 128 भी कर सकते हो, जितना आप हाई यूज़ करने वाले उतना आपका ये रैम यूज़ करेगा यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, देखो ये भी एक पार्ट है ना यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप स्टडी करोगे नहीं तब तक आपको इस चीज़ें आने वाली नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया मिला होगा कैसे क्या काम करते हैं, चीज़ों को कैसे समझना है, किस टाइप से काम करना है, ठीक है।